नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि मंगल मजबूत हो हर व्यक्ति की कुंडली में। वैसे तो हर एक ग्रह, प्रत्येक ग्रह अपना रोल अदा करता है और हर एक ग्रह मजबूत हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम मंगल की बात कर रहे हैं कि मंगल को मजबूत करने से क्या होता है और मंगल कमजोर होने से क्या होता है। मंगल को मजबूत करने के लिए हमें कौन सी चीज मंगलवार के दिन खानी चाहिए, जिसको खाने से मंगल मजबूत बनते हैं। आप देखो, कोई भी व्यक्ति है, ग्रह है, यदि वो हमसे नाराज है, उससे जुड़ी हुई बेनिफिट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो वो जिस चीज से जुड़ा है उसे या उस खुद उस व्यक्ति को, उस ग्रह को हमारे जीवन में, हमारे घर घर में प्लेस दे दो आप, वो चीज आप पर प्रसन्न हो जाती है और उससे जुड़े हुए तमाम बेनिफिट्स हमें मिलने लग जाते हैं, है ना। तो आज जो जानकारी आपको देने के लिए जा रही हूं, यदि अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। मंगल दोस्तों यदि आपके मजबूत है, आप तमाम प्रकार की स्थायी मिलकतों के मालिक बनते हैं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती ही चली जाती है, घर, मकान, बंगले, दुकान, शोरूम, तमाम चीजें, भूमि से जुड़े हुए तमाम चीजों के आप मालिक बनते हैं। कई लोगों के पास आप देखना एकड़ों जमीन होती है, कई लोगों के पास एक मकान बनाने जितनी जगह नहीं होती है ना। कई लोग पूरा जीवन भाड़े के मकान में निकाल देते हैं या फिर छोटे मोटे मकान में अपना जीवन गुजारते हैं। कई लोगों के पास बड़े बड़े भवन खड़े हैं, तो ये सब मंगल की देन है। कई लोगों की शादियां होती ही नहीं है, 30 साल, 32 साल, 35 साल निकल जाते हैं। शादी होने के बाद भी उनका डिवोर्स हो जाता है, विधवा आ जाता है। एक लंबी उम्र तक किसी न किसी बहाने से शादी में अड़चने आती ही रहती है। तमाम कार्यों में आप देखेंगे यदि आपके मंगल कमजोर है, कोई न कोई लेडीज आपके पीछे बहुत जबरदस्त रोल अदा कर रही होगी, एक पिशाचिनी के रूप में वो चारों तरफ से आपकी जड़ें काट रही होगी, आप ही के घर की, कोई बाहर की नहीं। लेडीज आपकी दुश्मन बनेगी, चाहे वो आपकी जेठानी हो, देवरानी हो, आपकी भाभी हो, आपकी चाची हो, कोई भी हो, आपकी बर्बादी का कारण वो बनती है। तो यदि आपके मंगल कमजोर है, आप हमेशा सावधान रहे कि ऐसी कोई भी महिला जो आपके घर में आपसे बहुत मीठा बोलती है, वो हमेशा आपके ऊपर डोरे डालती रहेगी और हमेशा आपको बेवकूफ बनाती रहेगी, आपका दुरुपयोग करती रहेगी, आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र तक करती रहती है, वशीकरण भी कर देगी, उच्चाटन भी करेगी, सब कुछ करेगी। आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि एक ऐसी लेडीज आपके पीछे पड़ी ही रहेगी, तो हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहे। जो लोग तंत्र मंत्र ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, ये लोग आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। मंगल यदि आपके मजबूत है, आपके घर, दुकान, मकान सब कुछ होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, आप नाम और यश कमाएंगे। कोई भी कितना भी टोना टोटका करे, आपके ऊपर सफल नहीं होगा यदि आपके मंगल मजबूत है, आपके अंदर शौर्य होगा, आपके घर के तमाम लोगों से आप सबसे आगे निकलेंगे, आप तमाम लोगों को डिफीट करके आगे निकलेंगे। सिर्फ घर के ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों को आप डिफीट करके आगे निकलेंगे और निकलेंगे, क्योंकि आपके मंगल मजबूत होंगे। तो मंगल को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ आपको। मंगलवार के दिन चुकंदर जरूर खाएं। चुकंदर दोस्तों आपके मंगल को जबरदस्त रूप से मजबूत बनाता है। मंगलवार के दिन इसको घर में भी लाएं, इसको खाएं भी, और इसका जितना ज्यादा हो सके दान करें। मंगलवार के दिन अपने भाई के घर में ये चीज जरूर पहुंचाएं। कोशिश करें मंगलवार के दिन आप अपने परिवार को, भाइयों को खास तौर से इस चीज को खिलाएं कि भाई आपके प्रसन्न हो। चुकंदर, चुकंदर से बनी कोई भी चीज, इसका जूस आप पी सकते हैं। ये चीज को आपने मंगलवार के दिन अपने घर में लाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, आप देखेंगे वो सब आपके साथ होने लग जाएगा जो आप चाहते हैं।
मंगलवार के दिन घर की दक्षिण दिशा में थोड़ी सी मिट्टी रखें और उसमें एक चुकंदर गाड़ दें। यदि लग जाता है दोस्तों, किस्मत चमक जाएगी। तमाम प्रकार के मकान, दुकान, शोरूम, इसके आप मालिक बनेंगे। घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपका शौर्य, आपका पराक्रम पराकाष्ठा तक पहुंचेगा। शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। पेट पीछे आपकी कॉन्स्पिरेसी होगी। मंगल प्रधान व्यक्तियों के दुश्मन बहुत होते हैं, लेकिन उनके सामने टिक कोई नहीं पाता। जो सामने आएगा वो बर्बाद होगा और होगा। तो इस उपाय को जरूर करें। मंगलवार के दिन बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।